गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आइए चर्चा करते हैं क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में आपका जो चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। इसके बाद वीडियो के लास्ट में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैट्रिक्स संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम थी, या चाहे वो कोटि को लेकर थी, कोटि क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होता था, पंक्ति रो सबके बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, दो क्रॉस दो कोटि के एक आव्यूह की रचना करना आपको, मतलब टू क्रॉस टू कोटि का एक आव्यूह होगा ए बराबर आई जे की रचना करना, जिसका प्रत्येक एलिमेंट ए आई जे बराबर इससे निरूपित करता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, टू क्रॉस टू कोटि का एक आव्यूह मानना पड़ेगा। आइए तो हम मानते हैं, माना टू क्रॉस टू का जो आव्यूह है ए बराबर क्या दिया गया बच्चों, ए आई जे दिया है, इसके बराबर हमने आव्यूह एक मान लिया। टू क्रॉस टू का ए वन वन एलिमेंट क्या होता था बच्चों, क्या माना गया था इसको बता दिया गया, ए वन टू ए टू वन ए टू टू एलिमेंट ए हो गया। एक ही ऑर्डर का है प्यारे बच्चों, दो पंक्ति है और दो कॉलम है, तो इसका कोटि क्या होगा, टू क्रॉस टू, और उसी कोटि का आपको आव्यूह बनाना है। तो बच्चों यहां से अगर हमको इन एलिमेंटों की या इन अवयवों की मान पता हो जाए, तो यहाँ पे पुट अप कर देने पे आपका आव्यूह आ जाएगा। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हो क्या दिया गया है कि ए आई जे या प्रत्येक एलिमेंट किससे रिलेटिव है, आई प्लस टू जे का होल हाफ स्क्वायर अपॉन टू। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ से ए आई जे बराबर इतना है, तो अगर हम ए वन वन की वैल्यू फाइंड करें, अर्थात आई के स्थान पर वन पुटअप करना है, जे के स्थान पर वन पुटअप करना, यहां से हो जाएगा आई की जो वैल्यू है वन प्लस टू, जे की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एक का होल हाफ स्क्वायर अपॉन टू। ये बच्चों कितना हो जाएगा, दो एक के दो और एक जोड़ेंगे तीन, तीन का स्क्वायर होगा तीन, तीन का नौ बटे दो। उसी तरह ए वन टू की वैल्यू फाइंड की जाए, ए वन टू इक्वल टू हो जाएगा आई के स्थान पे वन रखना है बच्चों, और टू इंटू जे के स्थान पे अब दो रखा जा रहा है बच्चों, होल हाफ स्क्वायर है अपॉन टू है, तो ये हो जाएगा बच्चों दो दूनी चार, चार में एक जुड़ेगा पांच, और पांच का स्क्वायर होगा बच्चों कितना हो जाएगा, पांच बच्चे पच्चीस बटे नीचे कितना है। उसी तरह बच्चों अगला हम निकालेंगे ए टू वन, कहने का मतलब आई के स्थान पे दो और जे के स्थान पे वन पुटअप करना है, तो आई के स्थान पे बच्चों हो गया दो प्लस टू, जे के स्थान पे वन का होल हाफ स्क्वायर अपॉन टू, ये हो गया बच्चों दो प्लस दो एकम दो का होल हाफ स्क्वायर अपॉन टू है, तो दो दो चार, चार का स्क्वायर सोलह बटे दो, कैंसिल होकर के आ जाएगा बच्चों कितना। उसी तरह ए टू टू की वैल्यू फाइंड करिए, ए टू टू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आई के स्थान पर भी दो, जी के स्थान पर भी दो, पुट अप करिए तो जाएगा आई के स्थान पे दो प्लस टू इंटू जे, जे के स्थान पे बच्चों दो रखना है, इसका होल हाफ स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा बच्चों दो धन दो दूनी चार का स्क्वायर अपॉन टू, तो हो जाएगा चार दो कितना हो गया बच्चों छह, छह का स्क्वायर छत्तीस बटा दो, कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा अठारह। तो बच्चों आपको एलिमेंट सब पता हो गया, यही एलिमेंट इसमें पुट अप कर दीजिए, तो आपका आव्यूह ए बराबर क्या मिलेगा बच्चों, आपने क्या माना ए वन वन वैल्यू आ गई है नौ बटा दो, इसके बाद ए वन टू है उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों पच्चीस बटे दो, इसके बाद ए टू वन की वैल्यू बच्चों आई है आठ, और ए टू टू की वैल्यू कितना आ गया है बच्चों अठारह, ये हो गया आपका आव्यूह किस कोटि का है, टू क्रॉस टू कोटि का, ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। तो इस तरीके का अगर कोई प्रश्न दिया गया होगा तो उसको इस हिसाब से हल किया जाएगा। नोट करें, तब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए, यदि एक्स प्लस वाई बराबर इतना दिया गया है, एक्स माइनस वाई बराबर इतना दिया गया है, मतलब इसमें से आपको हल करके एक्स और वाई का मान फाइंड करना है। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं बच्चों, इसको हम समीकरण एक मान लें, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया गया है फाइव थ्री टू फोर, ए एलिमेंट दिया गया है,
इक्वेशन नंबर है बच्चों क्या हो गया फर्स्ट, उसी तरह दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है 5 3 2 1 8, इसको हम क्या मान लिए बच्चों इक्वेशन। अच्छा बच्चों ध्यान दो, अगर यहाँ से एक पद आपका गायब हो जाए, एक पद हट जाए यहाँ से, तो दूसरे का मान आ जाएगा। ऐसा करने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, किसी एक पद को बराबर किया जाता है। बच्चों ध्यान दो, यहाँ से x का टर्म भी बराबर है और y का टर्म भी क्या है बराबर है। अच्छा हम तब चाहे x को यहाँ से गायब कर सकते हैं या y को, अगर हम y को गायब करना हो तो हम चिन्ह पे ध्यान देते हैं, यदि चिन्ह विपरीत है मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस, भिन्न भिन्न तो क्या करते हैं बच्चों जोड़ा जाता है, और अगर सेम होता तो घटाया जाता है। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को क्या करेंगे बच्चे जोड़ देंगे, को जोड़ने पर तो बच्चों अगर जोड़ेंगे इसको तो यक्स यक्स से जुड़ेगा कितना आ जाएगा 2x, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों इसको जब जोड़ेंगे बताया गया था संगत एलिमेंट से जुड़ता है, तो 5 और 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 10, 2 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4, 3 और 3 जुड़ेगा बच्चों हो जाएगा 6, 4 और 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 5। तो बच्चों अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाले तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, एलिमेंट क्या 10 4 6 और 5, 2 का भाग होगा अंदर तो 10 में 2 का भाग होगा क्या आ जाएगा बच्चों 5, 4 में 2 का भाग होगा तो आ जाएगा 2, 6 में 2 का भाग होगा 3 और 5 में 2 का भाग होगा 5/2। ये बच्चे x की वैल्यू हो गई, x का मान हो गया। अब यही x का मान आप चाहे जिस समीकरण में रखेंगे y का मान आ जाएगा, तो चाहे जिस समीकरण में रखिए, आइए रखते हैं समीकरण एक में, तो x का जो मान है समीकरण एक में रखने पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर। तो बच्चों अगर एक में रखेंगे x के स्थान पे क्या मिला आपको, अभी 5 3 2 और 5/2 प्लस क्या है बच्चों y इक्वल टू क्या है अभी 5 3 2 और 4। तो बच्चों ये जो अभी है इधर जाके ट्रांसफर होकर कैसा हो जाएगा माइनस, यहां से हो जाएगा y इक्वल टू एलिमेंट आपका क्या था 5 3 2 और 4, इधर जाके क्या हो गया माइनस, पूरा अभ्यू हो जाएगा 5 3 2 और 5/2। आपको बताया गया बच्चों समान या संगत एलिमेंट जो होगा संगत से जुड़ेगा या घटेगा, तो यहां से y इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 5 में से 5 घटेगा तो आ जाएगा 0, 2 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 0, 3 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा 0, और 4 में से 5/2 घटेगा बच्चों कितना आएगा, अगर आप 4 में से 5/2 घटाओगे तो जाएगा 2 चौका 8, 8 माइनस 5 अर्थात 3/2 कितना आ जाएगा बच्चों 3/2 आ जाएगा। यह हो गया आपका वाई का मान। आप उत्तर की जांच करना चाहते हो तो जो यक्स और वाई की वैल्यू आई है चाहे जिस समीकरण में आप रखेंगे अगर राइट साइड के इक्वल आ जाता है तब तो आपका आंसर सही है, अन्यथा आंसर आपका गलत है, तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बच्चों है यदि ए बराबर दिया है, बी बराबर ए का मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ से आपको फाइंड करना 2a+3b की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एक मैट्रिक्स ए बराबर दिया है दूसरा मैट्रिक्स बी बराबर दिया है, यहाँ से क्या फाइंड करना है 2a+3b का मान फाइंड करिए। तो बच्चों पहले क्या करो, यहाँ से चाहे 2a की वैल्यू फाइंड कर लो, इसके बाद 3b दोनों को ऐड कर दो या आप साथ में भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखो a क्या है पहले 2, इसके बाद इनटू क्या है बच्चों a, a की वैल्यू कितनी है 5 4 3 और 2, a की वैल्यू पुट अप किया गया, इसके बाद प्लस है बच्चों तो प्लस लिखो, इसके बाद 3 इंटू क्या है बच्चों b है 3 इंटू b, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 4 5 6, यहां से मल्टीप्लाई करो बच्चों, देखो यही होता है मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आदो या तीन जो भी आदो दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाइकेशन कैसे होता है, तो बच्चों तो चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो मल्टीप्लाइकेशन होता है 2 का, चाहे यहाँ पे डिवाइड हो मल्टीप्लाइकेशन हो, ये
टोटल जितने भी एलिमेंट इस आरपीयू के सब में इसका मल्टीप्लाईकेशन होता है। तो इस टू का मल्टीप्लाईकेशन फाइव में होगा तो क्या आ जाएगा, फाइव जा टेन हो गया, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू टू जा। इसके बाद बच्चों प्लस उसी तरह थ्री का मल्टीप्लाई करिए, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन और थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री सिक्स जा एटीन। अब इनको क्या करो बच्चों, जोड़ दो। जोड़ने का जो प्रोसेस था बताया गया कि संगत एलिमेंट संगत से जुड़ेगा, तो यहाँ से 10 और 15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 25, 6 और 15 जुड़ेगा तो हो जाएगा 21, 8 और 12 जुड़ेगा तो हो जाएगा 20, 4 और 18 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 22। ये हो गया आपका नोट।